Thank you. Yeah, a gift. ये मिला है मुझको गिफ्ट। हाँ खिलाओ। आज इन्होंने सब लोगों ने बर्थडे पे सरप्राइज किया है और हम तो सो रहे थे, हमको पता ही नहीं था। ये देखिए केक आया था, पिनाटा केक। एक से नए नए नाम आते रहते हैं, पिनाटा केक। हथौड़ी से तोड़ा जाता है, हमें लगा क्या हथौड़ी से तोड़ना है। बस सबसे ज्यादा तो मजा बिटिया रानी को है और बिटिया रानी ने हमको ये देखिए हमको भाई रोज मिले हैं। बिटिया रानी ने दिया है और बिटिया रानी की मम्मी ने। कितने खूबसूरत गुलाब हैं ये। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, यही कामना है हमारी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। ये मिला है हमको गिफ्ट और हम जा रहे हैं इसको ओपन करने। ये सब बिटिया रानी और उनकी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ फिर करो। सरप्राइज प्लान किया था, हमको बताया ही नहीं। सरप्राइज प्लान किया है किसने? सरप्राइज प्लान किया था मैंने। आप खा लो फिर हम खा लेंगे। ये गिफ्ट है जिसका ऊपर का रैपर हमने खोल लिया है, अब हम अंदर खोलने जा रहे हैं। ओ वाओ, ये तो रिंग है। हम आपको पास से दिखा देते हैं। कितनी प्यारी लग रही है इसमें। ये बॉक्स में भी लाइट लगी हुई है। ये इसमें गणेश भगवान बने हुए हैं गजानन जी। ये देखिए पहन लो आप। मैं ही पहना ली। पहन लो पापा। हाँ एक बार फिर से रिंग सेरेमनी वाली फीलिंग आ रही है। बर्थडे में रिंग सेरेमनी वाली फीलिंग। ये था मेरा गिफ्ट बर्थडे का। सुंदर है ना दोस्तों? बहुत। अब यार गिफ्ट देखिए मेरा, सुंदर है? सुंदर है। मम्मा ने दिया है और आप केक, तब तक हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, बिटिया रानी केक उड़ाए दे रही है सारा सब उधर से। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा बर्थडे था और ये लोग सुबह से प्लान करे हुए थे, इन लोगों ने बताया ही नहीं। मेरा कुछ स्वास्थ्य नहीं सही है, जुकाम काफी इस समय है, तो इस चक्कर में
आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे, शाम को पता चला इन्होंने केक ऑर्डर किया है। और पत्नी जी ने ही बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया और साथ में उसके बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया है। ये देखिए आज बर्थडे पे मुझे ये रिंग मिली है, रिंग सेरेमनी जैसी फिर से फीलिंग आई। ये देखिए, और बिटिया रानी तो सुबह से ही बहुत खुश, उनको बहुत आनंद आ रहा है केक जो खाने को मिल रहा है। केक तो उनका पसंदीदा आइटम कह सकते हैं, केक उनको बहुत पसंद है। अब फिर इस समय केक की जुगाड़ में बैठी हुई हैं, केक ले लिया है और बस अब दुनिया से मतलब नहीं है, अब सिर्फ पेट पूजा। ये देखिए, रुको आपको स्पून दे दूं, स्पून दे दूं, स्पून। अब देखिए, अब इनको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। थैंक यू। हमारे बर्थडे पर घर पे बना है मटर पनीर और हम लोग मटर पनीर एंजॉय कर रहे हैं इस समय। ये सब आज का कार्यक्रम पत्नी जी के सौजन्य से था, खाना, गिफ्ट, बर्थडे सेलिब्रेशन, सारा कुछ इन्होंने मैनेजमेंट किया और हमको पता भी नहीं लगने दिया। और हम तो दिन भर आज सोते ही रहे, पड़े रहे आराम से बिस्तर पे, आराम किया दिन भर और शाम को इतना बड़ा सरप्राइज मिला, मजा आ गई। बहुत टेस्टी बना हुआ है मटर पनीर, बहुत टेस्टी बना है। ये बिटिया जी अपनी बता रही है, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, बहुत सारा, इन्होंने बहुत सारा खाना बनाया है। चलो फिर थोड़ा खाना खा लो, मम्मा के साथ बैठ के खा लो। दोस्तों बर्थडे पर पत्नी जी ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया और सारी व्यवस्था मेंटेन की। आज का दिन मेरा बहुत ही शानदार रहा, तबीयत खराब होने के बाद भी, तबीयत में जुकाम बहुत तेज है, खांसी भी है और इस समय हम काढ़ा पी रहे हैं। ये देखिए काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा पी पी के काम चला रहे हैं बर्थडे पे, कॉफ़ी की जगह काढ़ा चल रहा है। और मेरा बर्थडे जो है बहुत ही शानदार रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि जो हमसे बड़े हैं वो हमें आशीर्वाद दें और जो छोटे हैं अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पर, नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सभी मित्रों को गुड नाइट, शुभरात्रि, मिलते हैं कल फिर एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के